नमस्कार नीमच, आप देख रहे प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच नवागत कलेक्टर दिनेश जैन ने आकस्मिक रेड क्रॉस का दौरा करा। इस दौरान अपर कलेक्टर नेहा मीणा सहित एसडीएम जो है ममता खेड़े और डिप्टी कलेक्टर किरण आजना भी उनके साथ में मौजूद थे। रेड क्रॉस के बदहाल हालत को लेकर ऐसा लग रहा है कि अब नवागत कलेक्टर दिनेश जैन से एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दरअसल यहाँ पर जिला पुनर्वास केंद्र, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जो है, यहाँ पर जो बसें हैं काफी समय से जंग खा रही है। इन बसों को लेकर कलेक्टर ने इनका निरीक्षण करते हुए बताया कि इन बसों को पुनः वापस तैयार किया जाएगा ताकि इनके माध्यम से जो चलित कैंप लगाए जाते थे उन कैंप की वापस शुरुआत की जाए। साथ ही साथ वृद्धाश्रम को लेकर भी यहां पर जो वृद्धजन जो रहते हैं यहां पर उनको लेकर भी बेहतर सुविधा मिले, इसको लेकर नई बिल्डिंग बनाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर निरीक्षण करा, साथ साथ उन वृद्धजनों से बातचीत कर यहां की समस्याओं को भी जिला कलेक्टर ने बारीकी से देखा और उनसे बातचीत करी और मुखबिर बच्चों को लेकर बेहतर सुविधा मिले। साथ ही साथ स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत जल्द नीमच में की जाएगी। मुखबिर बच्चे जो है यहां पर जो आते हैं पढ़ाई करते हैं उनको बेहतर शिक्षा मिले, इसको लेकर अब नवागत कलेक्टर दिनेश जैन की पहल दिखाई दे रही है। इसको लेकर नवागत कलेक्टर ने रेड क्रॉस का निरीक्षण करा। निरीक्षण के दौरान यहां पर मिलने वाली बेहतर सुविधा, खाने से लगाकर उनके रहने को लेकर हर सुविधा का बारीकी से जायजा लिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आने वाले दिनों में इन बसों को चालू करवाया जाएगा, चलित कैंप करवाए जाएंगे, वृद्धाश्रम को लेकर नई बिल्डिंग जल्द तैयार की जाएगी, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ मुखबिर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा जाए, इसको लेकर प्रयास किए जाएंगे। देखिए, रेड क्रॉस के द्वारा यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज संचालित हैं। एक तो यहाँ पे जो जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालित है तो उसका एक हॉल वगैरह भी है और इनके पास दो बसेस भी हैं जो कि पहले पूर्व में कैंप आयोजित किए जाते थे विलेज लेवल पे, तो उनकी स्थिति भी अच्छी है। हम लोग सोच रहे हैं कि उन बसेस से चलित जो हैं स्वास्थ्य कैंप आयोजित किए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वृद्धाश्रम भी है, वृद्धाश्रम में कुछ महिलाओं के लिए और पुरुषों को रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो अभी तो चूंकि संख्या कम है लेकिन हम लोग इसमें वृद्धाश्रम के लिए एक नया जो है जगह देखकर और एक बड़ा वृद्धाश्रम बनाने की का एक प्रस्ताव बनाएंगे जिसमें कि कम से कम 50-60 लोग रह सकें, क्योंकि उसमें अलग अलग कमरे भी होने चाहिए, थोड़ी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अभी मतलब चूंकि कम लोग हैं तो इतनी कम जगह में ये काम हो पा रहा है। इसके अलावा यहाँ बच्चों का जो मूक बधिर बच्चों का विद्यालय संचालित हो रहा है तो उन बच्चों की भी व्यवस्था मैंने देखी है। उनके स्कूल को भी हम लोग जो है एक स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं कि उनको अच्छी से अच्छी बेहतर सुविधाएँ मिलें और वो बच्चे, चाहे वो मूक बधिर बच्चे हों या फिर जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों की भी क्लास चलाते हैं, उनके लिए भी अपग्रेड करेंगे क्लासरूम्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका फ़ायदा मिले। और जो हम लोगों की मंशा है कि रेड क्रॉस के माध्यम से लोगों को लाभ दिए जाएं, उस पर हम लोग काम करेंगे।